हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं टेक मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही एक ट्रेंडिंग जो अभी वीडियो चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आजकल तुम बहुत ही टीवी पर एड्स देख रहे होगे, वी के बारे में बहुत ही एड्स हो रही है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ लगे रहे। तो आजकल टीवी पर एक बहुत ही एड्स दिखाई दे रही है जो कि है वी के बारे में। वी के बारे में तुमने ये एड्स तो देखा होगा, पर उसमें तुम्हें वोडाफोन और आइडिया ये दोनों का ही समझ में आ गया होगा, पर ये इसमें है क्या, तो इसके बारे में जानने के लिए तुम्हें पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वी ये है कुछ नहीं, बस वी का मतलब वोडाफोन और आई का मतलब आइडिया। एक वोडाफोन जो है एक ब्रिटिश कंपनी है और एक आइडिया जो है इंडियन कंपनी है। तो ये दो कंपनी मिल के अभी एक नया एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा कस्टमर बेस उनके लिए तैयार करने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि जियो जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद बहुत सारे लोग जियो ही यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ऐसे में हो क्या गया है कि पूरा जो कस्टमर बेस जो डाटा बेस है वो सब उन लोगों के जियो के पास ही चला गया। तो ऐसे में बहुत लोग जियो ही यूज़ करना पसंद कर रहे हैं और आइडिया और वोडाफोन और बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं कि उनके कस्टमर बहुत डाउन हो चुके हैं। और आजकल लोग भी दो सिम हो जाने की वजह से एक ही सिम यूज़ कर रहे हैं और वो भी जियो ही यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हुआ गया कि आइडिया और वोडाफोन का जो कस्टमर बेस था वो बहुत ही कम हो गया। तो ऐसे में ये दो भी कंपनी बहुत ही कर्जे में चली गई और इसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। तो इनके ऊपर कर्जा हो जाने के बाद हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर AGR का कुछ तो दावा ठोक दिया और इसकी वजह से इनको 10 साल का टाइम दिया गया कि आपको इस 10 साल में ये पूरा कर्जा चुकाना पड़ेगा। पर ये टाइम इतना सारा कर्जा चुकाने के लिए बहुत कम था। तो ऐसे में इन दो कंपनियों ने सोचा कि चलो हम एक नया ब्रांड ही तैयार कर लेते हैं, इससे उन दो कंपनियों का भी फ़ायदा हो जाएगा और उनका कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा। तो ये दो मिला के अभी फ़िलहाल तुम्हें वोडाफोन और आइडिया दिखाई दे रहा है, पर आगे चल के ये तुम्हारी सिम का नाम भी चेंज हो जाएगा और वोडाफोन और आइडिया वी नाम से ही तुम्हें दिखाई देगा। और जो तुम्हारा जो आइडिया स्टोर था वो भी तुम्हारा कट हो जाएगा, वोडाफोन स्टोर जो वो भी कट हो जाएगा। इनकी वजह से इनके लिए तुम्हारा वी नाम का एक सिंगल स्टोर आ जाएगा जो भी दोनों भी आइडिया और वोडाफोन के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। और इसकी अभी खास बातचीत ही बोलो तो तुम्हें एक फ़ायदा होने वाला है वो कि अभी ये नई कंपनी है और इनको बेनिफिट चाहिए तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छे बेस्ट ऑफर्स लाएंगे और उनके ऑफर्स की जो रेट रहेगा वो भी बहुत कम रहेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं। तो यही है इसके बारे में जानकारी जो तुम्हें जाननी ज़रूरी थी, क्योंकि ये बहुत ही अभी फ़िलहाल बहुत ही एड्स चल रहा है और हमें कुछ पता नहीं है कि ये एड्स क्यों दिखाई दे रहा है इतने ज़्यादा मात्रा में। तो इसके लिए ही ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने सोचा कि आपके तरफ पहुँचा, जो इसकी वजह से मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही नई नई ट्रेंडिंग और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर गया। थैंक यू सो मच।